सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ट्रेनर फॉर सीए एंटर एफएम ईएफएफ प्रवीण पटवारी। अ वेरी गुड मॉर्निंग। समय हुआ है 11:55 और आज का दिन है सैटरडे। और आज का पूरा दिन मेरा सिर्फ एक ही काम है कि आप लोग सबको मैं जो डिविडेंड पॉलिसी है वो मैं ख़त्म करा दूं। तो आज मैं बैक टू बैक रिकॉर्डिंग करने वाला हूं मेरे बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं मॉडल जिसका नाम है लिंटनर्स मॉडल, जिसका नाम है लिंटनर्स मॉडल, LINTNERS, लिंटनर्स मॉडल। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा नोट्स, सबसे पहले लिखिएगा नोट्स। लिखना करंट ईयर डिविडेंड, करंट ईयर डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन करंट ईयर अर्निंग्स। नंबर ए, करेंट ईयर अर्निंग्स एंड लास्ट ईयर्स डिविडेंड। ये एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन है लिंटनर्स मॉडल के लिए। करेंट ईयर्स डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन करेंट ईयर्स अर्निंग्स एंड लास्ट ईयर्स डिविडेंड। तो करेंट ईयर का जो अर्निंग्स है उस पे, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है इस पे, तो दो चीज पे ये डिपेंडेंट है। तो चलिए इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका। D1 विच इज डिविडेंड फॉर ईयर वन इज इक्वल टू D0 प्लस AF। नाउ व्हाट इज AF? AF इज एडजस्टमेंट फैक्टर। AF ब्रैकेट के अंदर में E1 इंटू TP माइनस D0, D0 प्लस AF ब्रैकेट में E1 इंटू TP माइनस D0। अब लिखना D0 है डिविडेंड फॉर ईयर जीरो, D0 है डिविडेंड फॉर ईयर जीरो। AF है, लिखना एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर E1 है अर्निंग्स फॉर ईयर वन, अर्निंग्स फॉर ईयर वन, एंड TP है टारगेट पे आउट रेशियो, TP है टारगेट पे आउट रेशियो। तो D1 क्या हो गया हम लोग का, डिविडेंड फॉर ईयर वन। D1 का मतलब क्या है, डिविडेंड फॉर ईयर वन। D1 का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड फॉर ईयर वन। D0 हो गया डिविडेंड फॉर ईयर जीरो, AF हो गया एडजस्टमेंट फैक्टर, E1 हो गया अर्निंग्स फॉर ईयर वन, TP है टारगेट पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। दो चीज जिस पे ये बेस्ड है, करंट ईयर का अर्निंग्स एंड लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इस पे सम्स करते हैं, लिंटनर्स मॉडल पे सम्स करते हैं। हमने अभी तक 9 सम किया है, 10वां सम आप लोग सबके सामने मैं लेके आ रहा हूं, जो कि है लिंटनर्स मॉडल पे। सुरभि लिमिटेड फॉलोज लिंटनर्स मॉडल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर इट हैड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 5 per share। इट हैज अ टारगेट पे आउट रेशियो ऑफ 70% ऑफ इट्स अर्निंग्स। इफ द ईपीएस फॉर द ईयर इज 10, एसरटेन द डिविडेंड पे आउट इफ द सुरभि लिमिटेड
views that only 50% of the incremental dividend can be maintained in the years to come. Okay. If Surbhi Limited views that only 50% of the incremental dividend can be maintained in the years to come, तो ये जो 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिविडेंड कैन बी मेंटेन्ड इन द ईयर्स टू कम, दिस इज अवर एडजस्टमेंट फैक्टर. ये जो दिया हुआ ना 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिविडेंड कैन बी मेंटेन्ड, देखो जैसे डी जीरो तो हो गया, अब ये क्या एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है ना, तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया. ठीक है, तो दिस इज एडजस्टमेंट फैक्टर. वॉट विल बी द डिविडेंड पे आउट ऑफ सुरभि लिमिटेड कैन मेंटेन 70% और 30% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिविडेंड. तो तीन एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए हम लोग को निकालना है. तो चलिए मैं आपको एक के लिए निकाल देता हूं एंड बाकी दो आपको सॉल्व करना है. तो जब मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी 30%, तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूं. तो हमने क्या करना है, डी वन इज इक्वल टू डी जीरो प्लस ए एफ, विच इज अवर एडजस्टमेंट फैक्टर, ए एफ इंटू ई वन इंटू टी पी माइनस डी जीरो. ओके, तो डी जीरो मेरे को दे दिया है 5, प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर मैंने लिया है 30%, मतलब 0.3. अर्निंग्स मेरे को दे दिया है 10, टारगेट पे आउट रेशियो मेरे को दे दिया है 70%, माइनस डी जीरो है 5. तो यहां से मेरा डिविडेंड निकल के आ रहा है 5.60. यहां से मेरा डिविडेंड निकल के आ रहा है 5.60. सो दिस इज लिंटनर्स मॉडल. ठीक है, ओके. अब अगर मान लो एडजस्टमेंट फैक्टर को मैं कर दूं 50%, 50%, और अगर मैं एडजस्टमेंट फैक्टर को कर दूं 70%, तब मेरे आंसर्स क्या क्या होंगे देख लो. अगर 50% करता हूं तब मेरा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 6, एंड अगर मैं 70% करता हूं तब मेरा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 6.40, 6 एंड 6.40. सो दिस इज वेरी सिंपल लिंटनर्स मॉडल. ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. अब यहां पर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स. तो ए बी सी डी चार है, मैं ए बी कर दूंगा, सी डी आपको करना है. ठीक है, तो चलिए लिंटनर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है. डी वन इज इक्वल टू डी जीरो प्लस ए एफ ई वन इंटू टी पी माइनस डी जीरो. ये फॉर्मूला है, अब देखना है मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले करता हूं मैं ए का. लास्ट ईयर डिविडेंड मेरे को दे दिया है 2.5, करंट अर्निंग्स मेरे को दे दिया है 8, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं दिया है, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं दिया है, टारगेट पे आउट रेशियो भी मेरे को दे दिया है. ठीक है, टारगेट पे आउट रेशियो भी मेरे को दे दिया है, करेंट ईयर का डिविडेंड भी दे दिया है, और डी जीरो तो मेरे को दे ही दिया था. तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे को बी सी डी भी करने का दरकार है. कितना सिंपली हम लोग यहां से ए एफ बैक कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं. ए एफ हम लोग यहां से निकाल सकते हैं बैक कैलकुलेट करके. तो हमारा जो ए एफ है, हमारा जो ए एफ है वो कितना आ जाएगा, हमारा जो ए एफ है वो आएगा 0.4 या फिर 40%, 0.4 या फिर 40%. अब मैं आपको बी सी डी के मिसिंग फिगर्स का आंसर दे देता हूँ, बिकॉज ये बहुत सिंपल है. मैं इसमें और टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करने वाला. तो मैं आपको बी सी और डी के आंसर्स दे देता हूँ. जो भी कुछ निकालना है मैं आपको उसके फाइनल आंसर दे देता हूँ. तो कंपनी बी में अर्निंग्स निकालना था, उसका आंसर होगा 50.
कंपनी सी में डिविडेंड एट जीरो निकालना था, वो होगा वन। एंड कंपनी डी में टारगेट पे आउट रेशियो निकालना था, वो होगा 30% या फिर 0.3। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कर सकते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग सब, इसको आप लोग सब देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने किया है। ओके, सो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारे एमएम मॉडल में। उस पर हम लोग को थोड़ा नोट्स लिखना पड़ेगा, हम लोग को एमएम मॉडल में थोड़ा सा नोट्स लिखना पड़ेगा जो कि मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, और उसमें फिर एक हम लोग एक जंबो सम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं एमएम मॉडल का नोट्स। तो लिखिएगा डिविडेंड, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखिए डिविडेंड इररेलेवेंस। इररेलेवेंस, इररेलेवेंस मतलब जिसका कोई रेलेवेंस ना हो। डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ मोदी ग्लियानी, मोदी ग्लियानी, मोदी ग्लियानी का स्पेलिंग GLIANI, मोदी ग्लियानी एंड मिलर MILLER, और इसको हम लोग बोलते हैं MM हाइपोथेसिस। MM हाइपोथेसिस, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ मोदी ग्लियानी एंड मिलर, और इसी को हम लोग बोलते हैं MM हाइपोथेसिस। अब लिखिएगा इसका प्रोपोजिशन क्या था, अब लिखिएगा कि इसका प्रोपोजिशन क्या था, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या था, लिखिएगा आराम से इसका नोट्स लिखिए। लिखिएगा पहला पॉइंट ए, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी, दी फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स। फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स, फुल स्टॉप। देयरफॉर डिविडेंड्स आर इररेलेवेंट टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। Therefore, dividends are irrelevant to shareholders' wealth. Point number B. Value of a firm, value of a firm depends on the earnings of the firm. Depends on the earnings of the firm and is unaffected, and is unaffected, का स्पेलिंग देख लेना, एंड इज अनएफेक्टेड बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूला, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म टुडे, वैल्यू ऑफ फर्म
का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, देखना बहुत कॉम्प्लेक्स सा है, देखना क्या फॉर्मूला है। मैं आपको फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वो वैल्यू ऑफ फॉर्म का बता रहा हूँ। स्मॉल एन पी जीरो, मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा क्या क्या है। एन पी जीरो इज इक्वल टू एन प्लस एम पी वन माइनस आई वन प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के माइनस आई वन प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ड्स में लिखना है तो। अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे। टोटल लिख देना सब लोग, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मिनट, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर वन, एट द एंड ऑफ ईयर वन माइनस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर वन माइनस वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल रेज्ड माइनस वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल रेज्ड एट दी एंड ऑफ ईयर वन, एट दी एंड ऑफ ईयर वन। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसका सबका मतलब लिख लेना, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहले स्मॉल एन लिखना, मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो लिखो। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एम, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर एट एट पी वन, एट पी वन नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर एट पी वन। फिर पी जीरो तो आप लोग सबको पता ही है कि एक शेयर का दाम आज, लिख देना एम पी एस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एम पी एस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिमिलरली पी वन क्या हो जाएगा, एम पी एस एट द एंड ऑफ द ईयर। डी वन आप लोग सबको पता ही है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सब मैं नहीं डिक्टेट करा रहा। अब इसमें एक है आपका के ई, के ई भी आप लोग को पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दो चीज नया है लिखना, आई वन, आई वन लिखो, आई वन है और एक है एक्स वन। तो सबसे पहले आई वन लिखना, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर लिखना एक्स वन, फिर लिखना एक्स वन, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। एक्स वन लिखना, नेट
रिटेन्ड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, X1 लिखना नेट रिटेन्ड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। I1 क्या लिखवाया मैंने, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई भी नया प्रोजेक्ट करते तो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, वही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और X1 लिखवा रहा हूँ नेट रिटेन्ड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ और है, वो भी लिख लो। लिखना P0, P0। तो P0 के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना P1 प्लस D1 बाय 1 प्लस KE। ठीक है, कुछ भी नहीं है। P1 मतलब क्या है, प्राइस जो चल रहा है एट द ईयर एंड प्लस जो डिविडेंड दिया, उन सबको एक साल पुल बैक करेंगे तो क्या आ जाएगा, P0। उन सबको एक साल पुल बैक करेंगे तो क्या आ जाएगा, P0। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। समझा, आज का जो प्राइस है इसको एक साल बाद लेके जाओ, जो डिविडेंड दिया उसको माइनस करो, तब जगह क्या आ जाएगा, P1। तो यहां पर से D1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस D1, उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE से तो क्या आ जाएगा, P0। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, ये एक चीज हुआ। इसके बाद लिखना नोट, नोट नोट में लिखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एट दी एंड ऑफ द ईयर। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एट दी एंड ऑफ द ईयर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एट दी एंड ऑफ द ईयर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, जिसको हमने डिनोट किया था एम से, स्मॉल एम से। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, लिखना टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरे को करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट से हम लोग माइनस करेंगे अर्निंग्स फॉर ईयर वन। बिकॉज इन्वेस्टमेंट चाहिए मान लो 300 करोड़ का, तो मेरा अर्निंग्स था उतना। अब अर्निंग्स से हम लोग कुछ डिविडेंड देते हैं तो वो तो चला गया, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस टोटल डिविडेंड्स एट एंड ऑफ ईयर वन प्लस टोटल डिविडेंड्स एट एंड ऑफ ईयर वन होल डिवाइडेड बाय MPS, होल डिवाइडेड बाय MPS एट एंड ऑफ ईयर वन, होल डिवाइडेड बाय MPS एट एंड ऑफ ईयर वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आई से माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, ई माइनस एन डी वन। वाई एन डी वन, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स इन टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू M। ओके, तो आइए हम लोग अब एक सम करते हैं इस पे, फिर हम लोग को पूरा चीज समझ में आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन एमएम हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 12 आइए सम को करते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. शेयर्स ऑफ स्वयं प्रभा लिमिटेड आर कोटेड एट 500 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब पी जीरो मिल गया है 500. इट हैज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 करोड़. मतलब आई कितना है 300 एट द ईयर एंड. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या हो गया केई. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15% एंड 300 करोड़ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग. मतलब एन एन कितना हो गया 3 करोड़. 3 करोड़ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग. ठीक है ये भी 300 करोड़ है. एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 280 करोड़. मतलब अर्निंग्स कितना दे दिया है 280 करोड़. एट दैट टाइम इफ द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 280 करोड़ एंड एट दैट टाइम द कंपनी डिक्लेयर्स नो डिविडेंड रुपीज 12 पर शेयर एज डिविडेंड रुपीज 30 पर शेयर एज डिविडेंड. ठीक है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोगों को क्या करना है वैल्यू ऑफ फर्म बताना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है चलिए आइए ये हम लोग को डिटेल्स दे दिया है. अब तीन केस है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे करंट. माने ये लोग का बोलने का मतलब क्या है कि आप कितना भी डिविडेंड दो आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होगा. तो वही देखना है हम लोग को कि ये लोग के हिसाब से जाएं तो वो चीज़ होता है कि नहीं होता, जो कि बेकार चीज़ है क्योंकि इररिलेवेंस थ्योरी है ये. तो सबसे पहले करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है. करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग कैसे निकालेंगे. हम लोग को एक शेयर का दाम दे दिया है 500 इंटू कितना शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 3 करोड़. तो टोटल कितना हो जाएगा 1500 करोड़. ठीक है ओके. अब हम लोग को सारा फॉर्मूलाज तो पता ही है, मैंने आपको लिखवा दिया है. अब जैसे हम लोग को पी जीरो पता है, एन पता है, एम हम लोग को निकालना पड़ेगा, पी वन निकालना. अच्छा डी वन का इन्होंने हमें 3 लेवल्स दिया है जिसके लिए हम लोग को सम करना है. अब जैसे जो डी वन है उसके लिए हमें 3 लेवल्स दिया गया है, तीनों के लिए अलग अलग करना है. 0 फिर दिया है 12 फिर दिया है 30. 0 दिया है, 12 दिया है, 30 दिया है. ठीक है तो आइए 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग बाबा का नाम लेते हुए. बोल सांचे दरबार की जय. आइए तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे. यहां पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग करेंगे माने हम लोग को डिविडेंड पेड के हिसाब से निकालना है. ठीक है तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले यहां पर हम लोग का रहेगा निल, क्योंकि डिविडेंड पेड इज निल. फिर उसके बाद में हम लोग का आएगा 12 और फिर हम लोग का आएगा 30. 0, 12 एंड 30. ओके तो अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट. मैं अभी ये जो बना रहा हूं ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे को एम पता चले. एम पता चले मतलब कितने शेयर्स मेरे को और इशू करने हैं. मेरे को बस खाली ये दिखाना है कि इन तीनों केसेस में मेरा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है तो इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़ का. 300 करोड़ का तीनों में ही सेम है तो लिख देना.
उसके बाद में इक्विटी अर्निंग्स जो था मेरा, जो X1 था, X1 मेरा जो अर्निंग था, वो तीनों में सेम होगा। कितना है? 280 करोड़, तो वो तीनों में ही सेम होगा। उसके बाद में जो मेरा ND1 था, ND1 मतलब डिविडेंड का जो मेरा आउटगो था, तो डिविडेंड का जो आउटगो है वो यहाँ पर तो ज़ीरो होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 करोड़ × 12। तो 3 करोड़ × 12 कितना होता है? 36 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? 3 करोड़ × 30, तो ये कितना आएगा मेरा? 90 करोड़, 90 करोड़, ठीक है। अब इसके बाद में मेरा इक्विटी अर्निंग्स था इतना, उससे अगर मैं डिविडेंड को माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? उससे अगर मैं डिविडेंड को माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर इससे इसको माइनस कर दे तो मेरे को मिल जाएगा मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मेरा पहले केस में रिटेन्ड अर्निंग्स है 280 करोड़। फिर 280 से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 244 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद में 280 से अगर मैं 90 को माइनस करूंगा तब कितना आएगा? 190 करोड़। अब इसके बाद में इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़ का और रिटेन्ड अर्निंग्स है 280 करोड़, तो मेरे को फर्दर इक्विटी टू बी रेज्ड, आप लोग पूरा लिखना, फर्दर इक्विटी टू बी रेज्ड कितना आ जाएगा? इस केस में आएगा 20 करोड़, ठीक है। इस केस में आएगा 56 करोड़, 56 करोड़। ये 56 करोड़ कैसे आ रहा है? 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 244 करोड़ है, तो 56 करोड़। और इस केस में आएगा 110 करोड़। दिस इज फर्दर इक्विटी टू बी रेस्ट। अब मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था जिससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्राइस एट ईयर एंड। एंड व्हाट इज प्राइस एट ईयर एंड? P1। व्हाट इज प्राइस एट ईयर एंड? P1। तो P1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अगर आप लोग को याद है तो, P0 × 1 + KE − D1। P0 × 1 + KE − D1, ठीक है। तो बताना कितना आ रहा है? P0 मेरा कितना है? 500। 500 को 1 + KE 15% से बढ़ाना है। 500 को 15% से बढ़ा के माइनस जो भी रेस्पेक्टिव डिविडेंड्स है, 0, 12 एंड 30, 0, 12 एंड 30, तो कितना कितना आ रहा है प्लीज बताना, कितना कितना आ रहा है प्लीज बताना। पहले वाले में आ रहा है 500 × 1.15 − 0, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 575, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 575। अब यहाँ पर कितना आ रहा है प्लीज करके बताओ, -12, तो कितना आ जाएगा? 563। और यहाँ पर हो जाएगा -30, तो कितना आएगा? 545। तो ये मेरा आ गया प्राइस एट ईयर एंड। प्राइस एट ईयर एंड एंड इक्विटी टू बी रेस्ड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर? पहले हम लोग को दिखाना है और कितना शेयर्स मेरे को इशू करना है, और कितना शेयर्स मेरे को इशू करना है। तो एम, बेसिकली एम, तो एम कैसे निकालेंगे? जितना चाहिए डिवाइड बाय प्राइस, कितना पे इशू करेंगे। तो इस केस में आएगा 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 575, तो आंसर कितना आ रहा है करके बताना, 3,47,826 रफली, 3,47,826। यहाँ वाला करिए और यहाँ वाला करिए, उसके बाद में मेरे को फाइनल फिगर बताइएगा एम प्लस एन का, बिकॉज एन तो 3 करोड़ है। प्लीज करिए सब लोग, प्लीज सब लोग करिए, आई एम वेटिंग।
तो यहां वाला आएगा, मैं आपको फाइनल फिगर्स ही बता देता हूं तो बेटर रहेगा। तो यहां पर आएगा 303, तो यहां पर आएगा 303 47 826, 303 47 826। उसके बाद में आएगा 309 94 671, उसके बाद में आएगा 320 18 349। ठीक है, तो ये तीन हमारे आ गए फिगर्स एम प्लस एन के। अब इसके बाद में वैल्यू ऑफ फर्म अंडर एमएम मॉडल। तो एमएम मॉडल का जो बड़ा सा फॉर्मूला नहीं था, उसी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वही चार कॉलम कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, अब चार कॉलम मत करो बिकॉज फॉर्मूला बहुत बड़ा है, तो एक एक करके ही करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड अगर पेड है जीरो, तो डिविडेंड जब जीरो पेड है तो कितना शेयर्स था? 3 लाख, 3 करोड़ 3 लाख 47,826। मैं पूरा डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठा रहा हूं, एन प्लस एम इंटू पी वन, तो पी वन वॉज 575। अब इससे माइनस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट है, से माइनस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़ का, माइनस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़ का, और इसमें प्लस करेंगे जो मेरा क्या था, प्लस करेंगे जो मेरा क्या था, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे को प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे 280 डिवाइडेड बाय 1.15, बिकॉज 1 प्लस के ही था। तो जीरो वाले केस में कितना आ रहा है प्लीज बताना। ये सब करोड़ में है, ये भी, ये तो मैंने ओपन फिगर्स में लिख दिया है। अच्छा, इससे आप 300 माइनस नहीं करोगे, आप माइनस करोगे 300 करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ में है, ये भी करोड़ में है, ये क्या है, मैं डेसिमल में नहीं लिखा, ओपन फिगर्स में लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, 300 करोड़। जैसे ये 3 करोड़ है, वैसे यहां पर 300 करोड़ है। तो कितना हो गया 300 में, मेरे ख्याल से अगर 300 करोड़ को ओपन फिगर्स में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डबल ज़ीरो, 1 करोड़ में होता है 100 लाख, तो 30, बाप रे बाप, 30,000 लाख हुआ ना, तो एम आई करेक्ट, जस्ट टेल मी, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, हाँ ये रहा 300 करोड़, ऐसा दिखता है। तो आपको ऐसा लिखना था यहाँ पर, ओके? तो इस केस में हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1500 करोड़। हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1500 करोड़। अब अगर हम लोग नेक्स्ट वाला पकड़े, इफ डिविडेंड पेड इज 12, तो उस केस में क्या होगा, 309 94, तीनों केस में आंसर सेम ही आएगा, करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज 1500 करोड़। इसके लिए चेक करना है, 309 94 6
71 into मार्केट प्राइसेस 563। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो -300 करोड़ प्लस 280 करोड़ इज व्हाट, -20 करोड़। तो माइनस में कर दो ना, 20 000 000 000। तो माइनस में सिंपली ऐसे लिख के इसको डिवाइड कर दो 1.15 से। तो इसका भी आंसर वही आएगा, और 30 वाला भी आप लोग करके देख लेना, उसका भी आंसर वही आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ सम ऑन MM मॉडल, एबस को देख लीजिए, एबस को देख लीजिए आप लोग सब। सो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद आज मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ जिसमें मैं सारा पूरा डिविडेंड्स कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाइम हुआ है 12:35। आई विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक एंड उसके बाद मैं फिर आऊँगा मेरे फोर्थ क्लास ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।